तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भोला ने अपना ऑलमोस्ट तीसरा दिन भी कंप्लीट कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। तो इस फिल्म को तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस से कैसा ऑक्यूपेंसी रेट मिला और आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन कर सकती है, ये सारी जानकारियां अब मैं आपके सामने रखूंगा एक एक करके। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप जानती हो कि भैया भोला का पहला और दूसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर वैसा नहीं रहा जैसा कि भैया इस फिल्म से उम्मीद है इस फिल्म के मेकर और भैया बॉक्स ऑफिस के भैया एग्जीक्यूटर कर रहे थे कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर पहले दिन दूसरे दिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी है कि भाई इस फिल्म को अभी तक जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है दो दिनों में वो आंकड़ा केवल 18 करोड़ 60 लाख रुपीज का है। यानी कि भाई पहला और दूसरा दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते भाई, दयनीय ही कह सकते हैं। तो भैया भोला को लेकर यह बात कही जा रही थी कि अगर इस फिल्म को तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जंप मिलता है तो शायद ये फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ने में कामयाब रहे। तो भाई अब इस फिल्म को तीसरे दिन कैसा ऑक्यूपेंसी रेट मिला और आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से क्या ये फिल्म वो उछाल हासिल करने में कामयाब हो रही है, अब चलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूं। तो दोस्तों भोला को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि आज इस फिल्म को 3D वर्जन के माध्यम से मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 8.96% का। देन उसके बाद आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है 3D वर्जन के माध्यम से तो भैया वो आंकड़ा है 17.71% का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को इवनिंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 21.63% का। उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म को 2D वर्जन के माध्यम से मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 8.47% का। आफ्टरनून के शो में इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है 2D वर्जन में वो आंकड़ा है 15.52% का। और उसके बाद भी इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज 2D वर्जन के माध्यम से ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 15.75% का। यानी कि भाई इस फिल्म को आज जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई बहुत ही मुश्किल से इस फिल्म ने भैया तीसरे दिन भैया फाइनली दहाई का आंकड़ा एक बार फिर से पार करके दिखा दिया। यानी भाई दूसरे दिन तो इस फिल्म को दहाई का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने का मौका मिला नहीं, लेकिन फाइनली तीसरे दिन एक बार फिर से यह फिल्म दहाई का आंकड़ा तो पार कर रही है, लेकिन ये आंकड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसको देखने के बाद हम ये बात इस फिल्म को लेकर कह सके कि भी आने वाले दिनों में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा उछाल मिल पाए। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि आज इस फिल्म को जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है उसकी मदद से यह फिल्म 11 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर 12 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है और इस कलेक्शन के माध्यम से यह फिल्म फाइनली तीन दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पार कर सकती है वो आंकड़ा है 31 करोड़ से लेकर 31 करोड़ 50 लाख रुपए तक का। यानी कि भाई ये फिल्म तीन दिनों में फाइनली 30 करोड़ का आंकड़ा तो पार करती नजर आ रही है, लेकिन भाई ये आंकड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सके कि भैया इस फिल्म का पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर शानदार जाने वाला है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया साउथ इंडस्ट्री की आ चुकी फिल्म दशहरा की, तो भैया दशहरा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को आज पांचों लैंग्वेजों के माध्यम से जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला है उसके माध्यम से ये फिल्म 13 करोड़ का बिजनेस करते हुए इंडिया से 45 करोड़ का बिजनेस कर लेगी महज तीन दिनों में। यानी कि भाई दशहरा को मिल रहे प्यार, दशहरा को मिल रहे सम्मान, दशहरा को मिल रहे सपोर्ट के माध्यम से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई साउथ की फिल्में इन दिनों क्यों बॉक्स ऑफिस पर इतना बिजनेस कर रही है। तो भैया इस पर मैंने कल भी ये बात आप लोगों को कही थी कि भाई अब बॉलीवुड के मेकरों को एक बार फिर से ग्राउंड रूट पर काम करना पड़ेगा। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को अब मल्टीप्लेक्स को छोड़कर एक बार फिर से भैया मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भैया सिंगल स्क्रीन को एक बार फिर से जीवित करना पड़ेगा। यानी कि भैया इन लोगों को ग्राउंड पर आकर भैया ये काम करना पड़ेगा कि भाई जहां जहां सिंगल स्क्रीन अब बंद हो चुके हैं उनके ऑनर्स से जाकर ये लोग मिले, या फिर ये लोग बॉम्बे में उन सभी सिंगल स्क्रीन के ऑनर्स को बुलाएं जो कि भैया अपने सिनेमा घरों को या तो बंद कर चुके हैं या फिर बंद करने के
कगार पर हैं, उनको ये लोग कन्विंस करें कि भाई आप लोग अपने सिनेमाघरों को खोलें, हम आपको कम दर पर अपनी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज करने का मौका देंगे, तभी भाई अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में रिवाइव कर पाएंगे। यानी कि भैया जिनका फैन फॉलोइंग स्ट्रांग होगा, जो भैया अपना पीआर सॉलिड तरीके से करेगा और उसके बाद भैया 3-5 करके अपनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर हाइप दिलाने में कामयाब रहेगा, तो भैया वो तो भैया अपनी फिल्मों के माध्यम से बिजनेस कर लेगा। लेकिन भाई अब बॉलीवुड के मार्केट में उन कलाकारों का कोई माई बाप नहीं है जिनका पीआर और फैन फॉलोइंग कमजोर है मेरे भाई। तो दोस्तों ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है भोला को लेकर, जिसको बताते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है। हो सकता है कि मेरी ये बातें आप लोग को चुभे, लेकिन भाई सत्य तो सत्य है। और भाई इस वक्त हम यही बात कहना चाहेंगे कि भैया भोला को वैसा सपोर्ट बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिल पा रहा है जैसा कि ये फिल्म डिजर्व करती थी मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।